फिनाले के बाद से एक्चुअली फिनाले के बाद से क्योंकि मैं फिनाले तक का वेट कर रही थी अपनी एलिमिनेशन के बाद मैं लाइव आई थी अपने इंस्टा पे उसके बाद मैं फिनाले का वेट करी थी कि जब वो ऑन एयर होगा उसके बाद अभी लोगों को नहीं पता कि ये किन क्या होने लगा ये होने के अलग है मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर मैं निकली हूं तो फिर उमर शहजाद को जीतना चाहिए okay. और मेरी जितनी फैन फॉलोइंग थी वो सब शिफ्ट कर गए थे मुझे मुझे टैग करते थे मुझे आते थे मैसेजेस आते कि अब आप नहीं हैं तो हम आपके जो वोट हैं वो हम उमर, उमर शहजाद को दे रहे हैं तो वो सारी मेरी फैन फॉलोइंग वो उमर शहजाद की तरफ वैसे नहीं वैसे भी अगर पॉजिटिव कोई खेल रहा था बहुत ज्यादा तो वो मेरे बाद उमर शहजाद था लेकिन जब मैं फिनाले में गई और मैंने देखा कि उमर शहजाद भी नहीं है उस दिन मेरा बहुत दिल दुखा शदीद वाला पहली दफा हमने ऐसा इंसान देखा जो जीत जीत के इतना जलील हो रहा है इतना जलील हो रहा है जो कहीं ना हुआ हो तो उसकी जीत जो है ना वो एक्चुअली उसकी हार है और जो मेरी हार है वो आप सब ने इतना प्यार दिया है कि मैं आप सबके दिलों में जीती हुई हूँ मैंने ये बोला भी था पहले क्या प्यारी इतनी प्यारी बात की कि जो मेरी हार है वो आप लोगों की की वजह से मेरे लिए जीत बन गई और हम तो चले अरूबा को भी भीट करते हैं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जीता, उसकी जीत में खुश होना चाहिए जिंदगी में आप जो ज्यादा दोगे वो आपको मिलेगा ज्यादा प्यार बांटो आपको ज्यादा प्यार मिलेगा हम अरूबा जी को भी मुबारकबाद देते हैं आप जीती आप जीती कोई गाल नहीं लेकिन गल दसो अरूबा जी बाहर आए थे उन्होंने दावत की रोटी पानी पूरा शिष्ट दावत नहीं गए इनफॉर्मेशन के मुताबिक आपने कहा आप नहीं, नहीं, नहीं गए सही कह रही हूँ तो दावत पे अगर आप कराची होती, तो जाती नहीं तो मुझे उसकी दावत पे जाने में कोई मसला थोड़ी है उसने थोड़ी उसने थोड़ी कहा होगा मैनेजमेंट को कि मुझे जितवाओ हाँ ये भी बात है ना या अगर उसने कहा भी था तो उसकी बात ही इतनी मानी गई है कि ओके गुड क्या कह सकते हैं लेकिन अगर मैं कराची नहीं लेकिन कहा होगा आपको लगता है नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ लेकिन अगर मैं कराची होती तो शायद मैं चली भी जाती हमने सब ने एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाना है और हमने जब दुनिया छोड़ के जाना है क्यामत वाले दिन हम अल्लाह तला के सामने जाएंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अल्लाह तला हमें माफ कर दे ठीक है जब हम किसी इंसान के लिए दिल में कोई माफी नहीं रख सकते तो हम किस मुंह से अपने रब से एक्सपेक्ट करें तो एक बड़ा फुल ऑफ लव मैसेज रूबा के लिए आप दे दें Aruba, I love you. प्यार दा है। है देखिए इतनी प्यारी है नताशा। तो इसी बात के साथ मैं चाहूंगा नताशा को हम भरपूर तालियों के साथ वेलकम करें। मैंने नताशा नताशा <laughs> करें। उनको लगा कि कह जल्दी कहां जाने देंगे मजे मजे की आप बातें कर रही हैं। इतनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है तशरीफ रखे शो शुरू करते हैं एक चीज जो आपने सीखी इन पचास दिनों में जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी बर्दाश्त बर्दाश्त बड़े बड़े मुश्किल लोगों के साथ मैं रह के आई हूँ बर्दाश्त मतलब मुझे ये लगा पहली बार के मैं बहुत मुश्किल लोगों को बर्दाश्त कर सकती हूँ आप तो एक जंग के मैदान में थी नाखून भी लगे नाखून तो पता नहीं क्या क्या बाजुओं पे अभी तक निशान है मेरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ये जो क्लास मैंने बहुत से भी मुझसे बात ही नहीं करती जब मैं कराची शिफ्ट हुई काम करने के लिए तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई ये अकेले रह के भी बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रही है तो बस इसका मतलब है कि ये सही है मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था नहीं नहीं ठीक है बच्ची सही है हमारी हाँ। उन में अपनी शादी लिखी हुई थी तो मेरा क्या कसुर है यार नुकसान नहीं हो मुझे लगता है की ये ना मेरा कहा हुआ मेरे आगे आ गया क्योंकि मैं हमेशा कहती थी यार बहुत ये जो इतने इतने लाखों लगा देते हैं लोग पैसे लगा देते मैं हैं मैं नहीं नहीं, आ, नहीं। मैं इतने इतने, इतने लाखों के जोड़े पहन लेते हैं ये कर लेते हैं करोड़ों लगा देते हैं शादियों पे तो यार ये नहीं करना चाहिए मेरी शादी होगी ना तो मैं बहुत सादगी में करूंगी मेरी शादी होगी ना बहुत सादगी में और अल्लाह का करना होया लॉकडाउन लग भी नहीं कुछ हो ही नहीं सारे सकाटिस बने हुए नहीं मास्क पा के आए ही नहीं इवन मेरे निकाह के दस दिन के बाद हमने अपना शादी का फोटो शूट कराया <laughs> ये हालात चल रहे नहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग पर काफी लंबी चली शादी के बाद भी। <laughs> नहीं 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 कोविड था यार <laughs> नहीं, आई I मीन mean, वो टाइम्स कुछ ऐसे थे तो आपको नुकसान नहीं हुआ इसका किस बात का सलामिया नहीं कटिया हुई यहाँ

और कहाँ आजकल तो हस्बैंड वाइफ को टाइम गुजारने को नहीं मिलता जिंदगी की इतनी हर कोई इतना बिजी है लेकिन उस वक्त एम शोर आप लोगों ने इतना टाइम साथ गुजारा होगा एक दूसरे को बेहतर तरीके से जी. समझ लिया होगा दोनों के लिए भरपूर तालियां तो रही आपने इंटरव्यूज भी किए हैं आपके जब आप इंट्रव्यूस करी थी कोई ऐसा गेस्ट आपको मिला कि जब वो आया हो तो आपने दुआ निकले हम जल्दी निकले जल्दी पहली गेस्ट ही ऐसी आ गई कि अब आप भी होस्ट है आपको पता है आप मुझसे एक सवाल करेंगे उसका जवाब दे दू तो आपके लिए कितना प्रॉब्लम हो गया आप दस सवालों का तो चले बर्दाश्त कर लेंगे ग्यारहवें सवाल पे आप कहेंगे अब मैं क्या करूं और वो है लाइव और वो आप बस हाँ हाँ जी हर बात पे हैं <laughs> हाँ <laughs> आपने वो फिलान सीरियल किया था जी किसके साथ किया था आ, वो फ्लान डायरेक्टर के साथ कुछ बोल ही नहीं रही थी वो कुछ बोल ही नहीं रही थी तो मैंने वो मुझे वो वो मुझे 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 याद है लाइव था था और मुझे चुप नहीं होना खामोशी नहीं चाहिए थी मैंने कोई पांचवें सातवें अंदाजा कर लिया मैंने कहा ये नहीं बोलेंगी तो पहले से ही दिमाग में सवाल बना के रखो या खुद बड़बड़ करती रहो जो भी करनी है लेकिन कंटिन्यू करना है तो ये जरूर हो जाए कुछ बोला कुछ अमेरिकन टेक्नोलॉजी है सेकंड में सेट चेंज हो जाता है पूरा hey. इस सेगमेंट के लिए hey. तो हम लिपसिंग बैटल की तरफ चलते हैं और चलाएंगे अपना पहला गाना लेट्स डू दिस